खरगोन जिले में हिंदू जागरण मंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब में विवादित चैप्टर को लेकर आक्रोश जताया और FIR दर्ज करने की मांग को लेकर पुतला फूंका। हम आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या में द सेफन स्काई नाम से एक चैप्टर में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों IS और बोको हराम जैसे कट्टरपंथी समूह से की है। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू परंपरा को किनारे लगा रहा है। इसी बात से गुस्साए हिंदू संगठन ने मोर्चा खोला और सलमान खुर्शीद के खिलाफ केस दर्ज करके पुस्तक को बैन करने की मांग की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के द्वारा अभी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन किया गया। उस पुस्तक में सन स्काई नाम के एक चैप्टर में आज उन्होंने लिखा है कि हिंदूवादी संगठनों की तुलना ISI एवं कट्टरपंथी बराक हराम करके ऐसे आतंकी संगठनों के माध्यम से की है, जिसके विरोध स्वरूप आज हिंदू जागरण मंच की तरफ से हमने पुतला दहन कार्यक्रम किया गया एवं साथ ही महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन के माध्यम से कि सलमान खुर्शीद द्वारा जो हिंदूवादी संगठनों की तुलना एक ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिक ISI संगठन से की है, जिससे हम उनकी मानसिकता उजागर का दोष सिद्ध होता है, साथ ही उनकी पुस्तक को पूरे देश में बैन किया जाए और साथ में उन पे FIR दर्ज की जाए। क्या नाम है आपका? मैं हितेंद्र सिंह चौहान, हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।